अफसर को जमकर मारा और पीटा है। विधायक ने खनन अफसर को कमरा में बंद किया और जमकर मारा। खनन अधिकारी शैलेंद्र सिंह की जमकर पिटाई की गई है। विधायक और समर्थकों ने अफसर का घेराव किया है। बांदा सर्किट हाउस के कमरे में जमकर मारा पीटा गया है। बालू खदानें शुरू होने से नाराज थे विधायक, अपने हक में दबाव बना रहे थे। बात नहीं बनी तो खनन अफसर को जमकर मारा पीटा। डीएम बांदा की आवास पहुंचे खनन अफसर। पुलिस ने अभी तक FIR नहीं लिखी है। प्रतिपट्टा 25 लाख कमीशन चाह रहे थे ये विधायक। खनन अधिकारी ने असमर्थता जताई है। उन्होंने कहा कि बहुत स्वाभाविक है, चूंकि हम नियम कानून से काम कर रहे हैं, हम आपको 25 लाख नहीं दे सकते। खनन अधिकारी ने पुलिस को तहरीर दी है। तहरीर में घूसकांड और मारपीट का जिक्र है, लेकिन अब तक FIR नहीं लिखी गई है और न ही बीजेपी विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई की है। आज की यह सबसे बड़ी खबर है। खनन का झूठा आरोप है। खनिज अधिकारी को सर्किट हाउस में मैंने बुलाया जरूर था, क्योंकि आज यहाँ जो साइकिल वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, जो बेचारे कहीं शौचालय बना रहा है, कोई व्यक्ति कहीं अपना आवास बना रहा है, तो एक दो बोरी बालू लेके जाता है, उन पर एक बड़ी कार्रवाई खनिज अधिकारी ने करी। आप ही के माध्यम से ये जानकारी में आया, जो आपने मुझसे बताया कि इस तरीके से ये खनिज अधिकारी आप पर एलिगेशन लगा रहे, तो इस तरह से झूठा आरोप है। क्योंकि खनिज अधिकारी इधर भी CBI के जांच के दायरे में है, इसके खिलाफ CBI की जांच ऑलरेडी लंबित है, वो चल रही है, और ये बहुत ही महाभ्रष्ट अधिकारी है। इसने एक सिंडिकेट बनाया हुआ, यहाँ के माफियाओं के, बालू माफियाओं के साथ में मिलकर के एक बड़ा सिंडिकेट बनाया हुआ है। बुलवाए थे सर्किट हाउस में, फिर उसके बाद में पहले भी बुलवाए कई बार की जो पट्टे चले उसमें हमारा हिस्सा तय करा दो। मैंने समर्थता व्यक्त की कि पट्टे धारक पैसा नहीं दे सकते हैं, मांगे घाट लिए हुए विधायक जी मेरे बस का नहीं है, तो बोले इनका काम न चलने दो, पट्टा रोको, गाड़ियाँ बंद करो, परेशान करो, मेरा हिस्सा देंगे। मैंने मना किया तो वो और उनके साथ 6 सशस्त्र थे, राइफल लिए थे, सटा दिए और अंदर से गेट बंद किए, मुझे मेरे कर्मचारी को बंधक बना दिया। उसके बाद में मार पिटाई शुरू कर दी। कितने बजे घटना है? 8:30 बजे की। कहाँ बुलाया था आपको? सर्किट हाउस में। कितना पैसा मांग रहे थे? तो वो 25 लाख रुपया महीना पर पट्टे मांग रहे थे। गए हम तो सब अंदर गए, साहब गए और वहाँ अंदर बेड़ उड़ के मारपीट होने लगे उनके साथ। कहाँ गए थे? सर्किट हाउस। किससे मिलने? विधायक जी से। कौन विधायक? तिंदवारी विधायक। बांदा से हमारे संवाददाता अतुल जुड़े हुए हैं। अतुल, दोनों लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। खनन अधिकारी अपनी बात कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ई रिक्शा वालों का हक की आवाज उठाने के लिए गए थे, वो बालू ले जाते हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा था। क्या सच्चाई क्या है जी? राहुल, आज बता दो कि जब कल देर रात 8 बजे का मामला है, जब खनिज अधिकारी को ने आरोप लगाया है कि मुझे बुला करके सर्किट हाउस में विधायक तिंदवारी ब्रजेश प्रजापति ने बुरी तरह से पीटा है, उनके गार्ड ने भी आरोप लगाया। दोनों लोग जैसे ही वहां से निकले हैं, उसके बाद तुरंत जिलाधिकारी आवास पहुंचे, वहां पर 2 से 3 घंटे तक बैठक चली है। अधिकारी थे, माइनिंग अफसर थे, जिलाधिकारी थे। उसके बाद जब बाहर निकले, उसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर इनको मुकदमा पंजीकृत होने की बात सामने आ रही है। आधा दर्जन इनके गुर्गों के, विधायक के गुर्गों के ऊपर भी मुकदमा पंजीकृत हुआ है। लेकिन उसके तुरंत बाद ही जो विधायक का बयान, विधायक का कहना है कि खनिज अधिकारी यहाँ पर सिंडिकेट की तरह काम करे, खनिज माफियाओं की के कहने पर मेरे ऊपर इस तरह का आरोप लगाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी ये सामने आ रही है कि जिला अधिकारी और यहाँ तक पुलिस अधीक्षक अभी तक कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं। किसी भी मामले में अभी तक जिला अधिकारी ने अपना पक्ष नहीं रखा है कि आखिर मामला क्या है। जिस तरह से ये घटनाक्रम, उससे निश्चित तौर पर बांदा में अगर देखा जाए तो अधिकारियों और राजनीतिकों में एक बड़ी रार समझ में आने लगी है। वो सभी भाजपाइयों ने भी विधायक के इस कारनामे को पूरा किनारा कर लिया है, किसी भी प्रकार से कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो DM बांदा की आवास पर खनन अफसर पहुंचे, उन्होंने अपनी बात लिखी, अपनी बात दर्ज कराई। पुलिस ने अब तक FIR नहीं लिखी है। जैसा कि अतुल मिश्रा बता रहे, प्रतिपट्टा 25 लाख कमीशन चाह रहे थे विधायक। इस मामले में क्या सच्चाई है अतुल?
जी आपसे बता दूं कि खनिज अधिकारी का कहना था कि लगातार मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है विधायक द्वारा। कई जगह से पहले भी बात सामने आ चुकी है कि पिछली बार भी विधायक द्वारा कई बार खनन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव दिखाने के बाद सामने आई थी, पर पट्टे से पैसे मांगे जा रहे थे। इस बार डायरेक्ट खनिज अधिकारी बने, क्योंकि बांदा में 41 खदानें चालू हो रही हैं। एक तरफ जहां यूपी सरकार का कहना है कि हम उससे पारदर्शिता लाएंगे, लेकिन लगा विधायक के एक तारीख से चालू होने से जैसे ही 2-3 पट्टे चालू हुए उसके तुरंत बाद ही विधायक द्वारा खनिज अधिकारी पर इस तरह का दबाव बनाने का मामला सामने आया, जिसको लेकर के 25 लाख रुपए प्रति पट्टा, जो की खनिज अधिकारी शैलेंद्र सिंह कहना की 25 लाख रुपए प्रति खनन पट्टे से मुझसे मांग की गई, जिसको मना करने पर मेरे साथ इस तरह की मारपीट हुई है। और इस समय अगर देखा जाए तो बांदा के जितने भी खनन अधिकारी हैं, यहाँ तक जिस तरह से ये खनन को लेकर के आए दिन बवाल होता है, इसके पहले भी विधायक ब्रजेश प्रजापति लगातार सुर्खियों में रहते रहे हैं। केंद्रीय अभी चंद दिनों पहले ही जिला जल संस्थान के अधिकारी को नोटों की माला पहनाई थी कुर्सी को लेकर के, कुर्सी न देने को लेकर। अभी चलिए, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए अतुल मिश्रा। अतुल ने कई अहम जानकारियां दी है। डीएम बांदा के आवास पर खनन अफसर पहुंचे थे, लेकिन अब तक एफआईआर नहीं हुई है।